हाँ जी, किसे दोगे अब की बार वोट? पंजाब देंगे। अच्छा, नुमान महसूस है। ऐसा क्या कारण हो गया? बीजेपी वालों ने कहा था पेमेंट 15 दिन देंगे। अच्छा, पेमेंट सारा रुका हुआ है, अब फैक्ट्री चलने वाली है। किसान के पास पैसा नहीं है, जो हमारे त्योहार वो कुछ भी कर ले। अच्छा, जो वादे करे थे सब झूठे पाए। ये कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे कि कर्जा माफ करेंगे, जड़ से कर्जा माफ किया। अच्छा, और अब ये बीजेपी ने जो किया था वादा, वो 1-1 लाख माफ कर और कर्ज बंद बना दिए। और फिर वही आगे जाते। हाँ जी, कांग्रेस पे अब की बार कांग्रेस बंदरी गांव में वोट पड़ेगी। 1000 वोटों में कम से कम 400 वोट कांग्रेस पे जाएंगे। अच्छा, और वो 600 कहाँ जाएंगी? 600 में से 300 350 पे बीजेपी है। अच्छा, और 250-200 पे साइकिल। अच्छा, तो यानी कि तिकोनी टक्कर है तीनों में, मुकाबला मोमडन गांव में टोटल 50 है और हिंदू गांव में बराबर चला है। अच्छा, और गुज्जर और जाट का कहाँ लग रहा है आपकी बार समीकरण? क्या गुज्जर तो तीनों जगह बटे हुए हैं, तीनों जगह, और ज्यादा नुमान भी है, ज्यादा नुमान कांग्रेस की वजह से। अच्छा जी, हाँ जी, आपको क्या लग रहा है किस मुद्दे पे वोट दोगे? या वही वाला है बस, किसान वाला मुद्दा, सड़क वाला मुद्दा है, और कुछ नया भी सोचा आपकी बार? किसान वाला मुद्दा है, बाकी और भी मुद्दे बहुत हैं। कोई सा मुद्दा पूरा ही नहीं करा बीजेपी ने तो आज तक। अच्छा, बताओ कौन सा मुद्दा पूरा करा है इसने? सड़क पर अपना वाहन ले काम नहीं ले कर सकते। अगर सड़क के बावली के बटन भी खुले हैं उन पे भी 2000 रुपये का चलान। अच्छा, बताओ कहाँ तक देंगे इसे बीजेपी को वोट? हम बीजेपी को वोट देगा तो अपना नाश करना। अच्छा, इतनी दिक्कत है? अच्छा, इतना गुस्सा क्यों है? क्या बात होगी? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? यहाँ पे कुछ हुआ नहीं गंगों में? कोई गंगो का पूरे ब्लॉक में कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने। बताओ कहाँ से कहाँ कुछ भी नहीं कर रखा। और उधनता एमपी बना, यहाँ तक दर्शन भी नहीं उसके। अच्छा, आए नहीं दोबारा वापिस? आए तो होंगे, अभी वोट मांगने तो आए होंगे। वोट मांगना है, उसके बाद में जीतने के बाद नहीं दर्शन दिए। अच्छा, और दूसरी बात, या और जो किसी काम ने चले भी जाए उसके प्रतिनिधि के भी दौरे, वो कहेगा छोटे से बात करूँ, मैं बड़े से बात करोगे इस? ये तो हमारे जुड़ तो छोटे तो है, बड़े तो कहाँ बात करेंगे। अच्छा, और हमारे विधानसभा तो कांग्रेस का ही माली जीत रहा है। क्या जी? कम से कम 35,000 से जीतेगा नुमान महसूस। नुमान महसूस 35,000। और हिंदू मुस्लिम नहीं बनने देते कभी भी। आदमी सच्चे हैं, बढ़िया आदमी है, पहले से इनके साथ लगे हुए थे हिंदू भी। ये बीजेपी में जो ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामे की वजह से टूट गए थे। अब क्या फिर सब सच्चाई पता लगा तो अब कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस ही जीत है पक्की, 35,000 से जीत है। 35,000 से पहले 38,000 से 34,000 से हरा देता। अब की बार पिछले चुनाव में 72,000-70,000 वोट मिली थी नुमान महसूद को, उसमें 32,000 मुसलमान गुज्जर समाजवादी तरफ चला गया था। अच्छा, वो भी के जरिए है। अच्छा, और हिंदू गुज्जर भी कम से कम 45,000-50,000 में से आधे में नुमान के पास है। अच्छा, अब की बार बटन नहीं दिया जाएगा? नहीं, बटन नहीं दिया जाएगा, बीजेपी भी नहीं जाएगा। अच्छा 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 जी, बीजेपी झूठे वादे करे, झूठे वादे करे। जो महिला किसान बैठा है, टाइम पे पर्ची नहीं मिली, टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, तो क्या करेगा हम बीजेपी का? अच्छा, एक माफी कुछ नहीं की, कांग्रेस ने जड़ से माफी की थी। अच्छा, तो यहाँ से सब कांग्रेस सब बचा जाएगा। अच्छा अच्छा, आगे जी कट्टा लेके, किस चीज का कट्टा लिया है? बिनोला। अच्छा, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? अब चुनावी माहौल है, क्या लग रहा? हमें तो भाजपा लग रही थी। भाजपा लग रही? हाँ। कुछ करेगी भी? अब ऐसे ही है बस? नहीं करेगी, करेगी करेगी कुछ? हाँ, करेगी। किसानों के लिए कुछ हुआ गंगों में या कहीं? हाँ, इतना तो हो ही रहा, खेत में आराम तो चले जा रहे हैं इतने। अच्छा। हाँ। रात में तो शांति हो ही गई? शांति हो ही गई, दिन में भी शांति रहा। पर कह रहे की जी सबके बिजली के बिल कट रहे, कोई कह रहा की हमारी 12 नहीं चल रही, कोई कह रहा कुछ हो रहा। एक तो बात लगाओ, जब हम रोटी खा रहे तो उसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा। जब हम होटल में जाकर रोटी खा रहे उसका खर्चा तो देना पड़ेगा। फिर बिजली का कनेक्शन कटा लो, पिछड़ने का नहीं बिजली ले रहे क्यों? जब चला रहे हम इस्तेमाल कर रहे को उसका पैसा तो देना ही मिल चाहिए। बिल्कुल है नहीं, जब हम कुर्ता बढ़िया वाला ले रहे तो बढ़िया वाले के तो पीछे बढ़िया वाले देने पड़ेंगे जी। अच्छा, यानी कोई दिक्कत नहीं है मतलब? ना ना ना। पर कह रहे तिकोनी मुकाबला होगा उधर, नुमान महसूद भी पूरी टक्कर में है, क्या लग रहा? टक्कर किसके साथ है? उसी के साथ है, उन्ही के साथ है। नुमान, ऐसा तो नहीं होगा अब की बार कहीं विजयरथ निकाल के ले जाएं? कौन जी? नुमान जी। ये तो मालिक जाने है। अच्छा, ये तो किसी के बस की बात नहीं। चलो जी, ज्यादा जनता है तो। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, आप भी बता दो सर क्या लगता है, क्या होना चाहिए? समाजवादी जीतनी चाहिए यहाँ तो। समाजवादी? हाँ। ऐसा क्या कारण हो गया भाई? ना बहुत विकास करा, कुछ हुआ विकास? सड़कों पे कुछ दिखाई दिया, जमीन पे आया कुछ? तो पता नहीं, सीट पे तो चौधरी ने पूरा विकास करा। अच्छा। हाँ, गंगो सीट पे। तो अब की बार पक्का हो गया सब? पक्का, इंदर सैन जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी, इंदर सैन पक्का 100% 100% 100% पहले ही मोर लगा दिया? मोर लगा दी, पहली स्वर की मोर है मेरी, मोर थोड़ी है। अच्छा। हाँ, ईश्वर ने थोड़ी ना बताया होगा क्या होना? ईश्वर ने ही तो बताया, ईश्वर ही तो चला रहा सारी सृष्टि को भाई। अच्छा, उन्होंने पहले ही बता दिया? इंदर सैन अच्छा, क्योंकि नया कैंडिडेट है बीजेपी का यहाँ। अच्छा,
अच्छा ये बात है। हाँ जी भाई, आपको क्या लग रहा है नौजवान कहाँ जा रहा है आपकी बार? आपकी बार नौजवान सपा के साथ है, अखिलेश के साथ है। अच्छा पक्का है? पक्का है जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कहीं बीजेपी वाले काम हो जाए फिर इनके जी बीजेपी में चले गए हम तो जी? को चांस 100% पूरे हैं। 100% पूरा है। मौसम का मिजाज तो नहीं बदलने का उस दिन 21 तारीख दिन? ऐसा नहीं होगा, नहीं होने का। हाँ जी आपको क्या लगता है भाई? अब की बार तो यहाँ से इंद्र सेन का ही कुछ मतलब जैसा कई योजनाओं से देखने में रहा, अब की बार तो इंद्र सैन ही यहाँ अग्रसर ज़्यादा है, ज़्यादा तेजी से मतलब आगे बढ़ रहा। अच्छा जोर उनका ही है? जोर उनका ही है ज़्यादा, मतलब मुकाबला उनसे ही होगा। मुकाबला हत्ती से हो जो, कांग्रेस से हो जो, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं कहीं इलेक्शन में। अच्छा है ही नहीं? किरत पाल जी कहीं है ही नहीं? ना ना। ऐसा क्या कारण होंगे, वो क्यों नहीं है टक्कर में? कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट है, ये दिक्कत है। अच्छा जी चलो जी, इन्होंने भी बता दिया भाई नए कैंडिडेट हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।